नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। पीबीआर स्टडी फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी एक ऐसी क्लास है जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। जी हां, गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी के साथ हम आपके सामने। पीबीआर स्टडी फैमिली के 50,000 पूरे होने पर आप सभी को तहे दिल से नमन। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास, ज़्यादा बोर ना करते हुए। देखिए, आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, खासा परेशानी होती है तीन पदों वाली भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग करने में, है ना। तो ये परेशानी आज के बाद आप भूल जाइए और आज से आप भी मान लेंगे कि मैथ बहुत आसान है। जी हाँ बाबू, बिल्कुल मैथ आसान है और बहुत ही आसान है, बिल्कुल किसी टेंशन के आपको देखना है, ठीक है। देखिए, जैसे ये भिन्न लिखी गई है ना, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन बोलते हैं। और आज हम देखेंगे फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा एवं भाग। सिंपल वाली भिन्न तो सभी लोग लगभग कर लेते हैं, 1/2 में अगर 1/5 जोड़ना है तो लगभग जोड़ लेते हैं लोग। आज हम बात करेंगे बड़ी भिन्न को कैसे जोड़ते घटाते हैं। जैसे चार पद में या पांच पद में है, तीन पद में है, तो खासा परेशानी होती है और हमने देखा है आप लोगों का काफी इंटरेस्ट भी है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, रूल वही अपनाएंगे जो अभी तक आप लोग करते आए हुए हैं। आपसे हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें इस क्लास को और इस क्लास को पूरा देखेंगे। मुश्किल से 15-20 मिनट की ये क्लास होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, आज पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपको एलसीएम लेना, एलसीएम लेना किसका, हर का, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हर का एलसीएम लेना। आप जानते हैं अगर कहीं ऐसे लिखा है 7/5 तो इसमें ये जो ऊपर होता है अंश होता है और जो नीचे होता है इसे हर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर, ठीक है, डेनोमिनेटर। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप अंश और हर जान गए हैं, अब देखते हैं आगे। देखिए, इसमें ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। तो हर हर का एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 5 का लाफा लेंगे, तो 2, 3, 5 का लाफा आप जानते हैं, 2 × 3 = 6, 5 = 30 हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें हम एलसीएम लेना नहीं बताएंगे, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 30। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम 30 आ गया तो क्या करेंगे, कमेंट करिएगा, एलसीएम नहीं आता तो। यहाँ पे तो सीधा फीधा एलसीएम हो गया, 2 × 3 = 6 5 = 30, लेकिन ऐसा सभी में नहीं होता है। तो एलसीएम हो गया, दूसरा क्या है, एलसीएम में भिन्न के हर से भाग करना, के हर से भाग। तो एलसीएम में भिन्न के हर से भाग करते हैं, कौन सी भिन्न के, सभी भिन्न के हर से भाग करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम 2 से भाग करेंगे, किसमें, एलसीएम में, यानी कि 30 में। जब आप 2 से भाग करेंगे तो भाग तो सभी को आता है, ये देखिए कितना आ गया आपका, 15 आ गया। तो जो आपका क्या आया, 15 आया, तीसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, प्राप्त भागफल का भिन्न के अंश में गुणा, क्या करेंगे, भागफल का भिन्न के अंश में गुणा। तो कर दो ना भाई, 15 का गुणा 1 में, तो 15 × 1=15। वही स्टेप सभी में करेंगे, कौन सा स्टेप, बार बार एलसीएम नहीं करेंगे, एलसीएम तो हो गया एक बार। जैसे हमने 2 से भाग किया था, 30 में 15 आया था और 15 का गुणा कर दिया 1 में तो 15 आया, उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब 3 से भाग करेंगे एलसीएम में। जब 3 से आप 30 में भाग करेंगे तो भाग करके देख लीजिए, सिंपल में सभी लोगों को आता है, 3 से भाग करेंगे 30 में तो कितना आएगा, सभी लोग को मालूम है ना, एक और मैं कर देता हूँ, फिर बार बार मैं नहीं करने वाला हूँ। 3 से भाग करेंगे तो 3 × 3, ये कट गया 0 0, यानी कितना आया, 10। अब आप इस 10 का क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देखिए, भिन्न के हर से भाग हो गया ना भाग, तीसरा स्टेप प्राप्त भागफल का भिन्न के अंश में गुणा, तो जो भागफल आया इसका क्या करेंगे, अंश में गुणा कर देंगे, ठीक। तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया 10। अब फिर प्लस, फिर से आप 5 से भाग करेंगे 30 में तो कितना बार जाएगा, 5 × 36 6 बार जाएगा, और जो 6 आएगा उसका 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 6, हो गया बस। अब ऊपर ऊपर का जोड़ लेना है और बाकी कुछ नहीं करना है। फिर
इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 15 10 25 और 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31, कितना हो जाएगा 31, 31 बटे 30, ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं जो इधर साइड कट जा रहा था दाहिनी साइड, आप देख ले पूरा, अब आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल गुड़ा का, ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम दूसरा सवाल बता देंगे। गुड़ा वाले में देखिए बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल सिंपल सा है, मैथ बहुत आसान है, मैथ आसान है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें और पीवीआर स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करें, जिससे कि आपको और भी क्लास मिल सके, यानी कि अदर विषय की, जैसे पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी की। चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुड़ा में क्या करते हैं, पहला स्टेप अंश का अंश में गुड़ा, अंश का अंश में गुड़ा करते हैं। तो अंश है एक 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 एक, गुड़ा कर लो बाबू तीन बार, एक गुड़ा एक गुड़ा एक। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हर का हर में गुड़ा, ये गुड़ा बहुत आसान होता है। और घटाना वाला बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, घटाना वैसे होता जैसे जोड़ना होता है, अभी आपको घटाना भी दिखा देंगे। तो दो का गुणा करेंगे तीन में, तीन का गुणा पांच में, बस हो गया उत्तर ही, कर लो ना। एक का एक में करेंगे चाहे जितनी बार एक ही आएगा, दो का तीन में करेंगे दो तीन छः और छः पंचे तीस, तो ये गुणनफल हो गया आपका एक बटा तीस। हो गया क्लियर, अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच आप लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इसमें का घटाना। ठीक है, तो घटाने का चिन्ह लगा लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, घटाना वाला देख ले, ये भी कंफ्यूजन दूर कर ले। घटाने में कैसे करते हैं, देखिए सिंपल में जैसे आप जोड़ने में करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे दो सात और चार का। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, हर का एलसीएम। ठीक है, हर का एलसीएम लेना, तो जल्दी से कर लेते हैं भाई। एलसीएम आप लोग जानते हैं, ऐसे कटाकट काट लेंगे हम लोग, दो चार और सात, तो ये दो एक कम दो, दो दूना चार, और फिर दो से कटेगा ये, और ये हो गया दो दूना चार सत अट्ठाईस, एलसीएम कितना हो गया 28। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो बताइएगा, क्योंकि हम इसमें एलसीएम के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो एलसीएम आ गया आपका 28। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप में आप लोग को ये करना है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा टाइम ना बिताते हुए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये सभी स्टेप आपके लिख दिए गए हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं बगल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर का एलसीएम हो गया प्रत्येक भिन्न के हर से, प्रत्येक भिन्न के हर से एलसीएम में बारी बारी भाग करना। तो भाई दो से भाग कर लो 14 में, तो आप जानते हैं जब दो से भाग करेंगे तो दो एक कम दो, एक आ गया 8, दो नवा गड़बड़ जा रहा है बाबू, ये 14 आएगा ना, कैसे, दो एक कम दो ये कट गया और चार बार जाएगा, अब दो चौका 8, कितना आया 14 ना। फिर प्राप्त भागफल का अंश में गुणा, तीसरा स्टेप, प्राप्त भागफल जो ऊपर आता भागफल बोलते हैं, इसका अंश में गुणा, अंश क्या है, पांच अंश है ना, यह था ना, तो अंश में गुणा कर लो भाई, 14 पंचे 70, 14 का गुणा करेंगे पांच में, नहीं आता तो कहीं लिख के कर लीजिएगा ऐसे, 14 का गुणा पांच में। ठीक है, अब यही प्रक्रिया सभी में करेंगे, ये पहली भिन्न के लिए हो गया पूरा, अब बीच में माइनस था माइनस, फिर से सात से भाग करेंगे एलसीएम में, यानी कि 28 में, जब आप फिर से 28 में सात से भाग करेंगे तो आप सभी जानते हैं ना, सात से भाग करेंगे 28 में, ये देख लो ना बाबू, ये सात चौक 28 कितना आया, चार आया ना, जो ये चार आया है ना, इसका गुणा करेंगे किस में, इसके अंश में, तो चार का गुणा करेंगे 8 में, तो 4 8 32, हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर अगली भिन्न पे चलेंगे, उसके हर से इस 28 में फिर से भाग करेंगे, तो कर लो ना, फिर प्रॉब्लम क्या है, ये लो देखो, चार से भाग करेंगे तो 4 7 28, अब भागफल कितना आया, 7 आया, 7 का गुणा कर देंगे 3 में, 7 3 21, हो गया क्लियर, उत्तर आ गया आपका, कैसे, देखिए माइनस माइनस जुड़ता है तो 32 में 21 जुड़ जाएगा। जैसे अगर आपने 1 लाख का कर्जा लिया है लोन, और फिर अगली साल आपने 50 लाख का या 50,000 का और लोन ले लिया,
तो पहले एक माइनस था आपका, फिर एक माइनस और हो गया, तो आपका लोन 1.5 लाख का हो जाएगा, ना कि 50,000 का हो जाएगा। बचे बढ़ेगा नहीं, और मतलब क्या होगा, कर्जा बढ़ जाएगा। तो वैसे ये माइनस में 32 है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा माइनस माइनस चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस वाले जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह रहने पर जुड़ते हैं, असमान रहने पर घट जाते हैं। जैसे इंसानों में होता है, जिसके गुणधर्म बात व्यवहार मिलते जुलते हैं वो मित्र बन जाते हैं, है ना। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा, 70 माइनस, इसको ऐसे जोड़ ना भाई, ये 3, 5, 53 आया ना, तो इसको 53 इसमें से घटा लेंगे और ये हो जाएगा 28। 70 में से आप 53 घटा लीजिए, नीचे ऊपर लिख करके फटाफट, जो भी आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, और ये 6 में से 5 गया आपका, कितना हो जाएगा 1, और इस तरह से आपका ये 17 बटा कितना हो जाएगा 28, ठीक है, 17/28, ठीक। इसे आप लोग लिख लीजिए, हो गया क्लियर, ठीक। एक और सवाल देखिए दोस्तों, अगर भाग का चिन्ह रहे तो कैसे करते हैं, वो गलती हो गया, यहाँ पे मैंने गुणा लगाया हुआ है। ये सभी भाग के चिन्ह अगर होते हैं तो कैसे करते हैं, आपने जोड़ घटाना गुणा भाग देख लिया है, मतलब जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया और गुणा देख लिया। अब देखते हैं भाग, ये अगर कहीं ऐसे 3 पद में भाग आ गया तो क्या करेंगे आप, बहुत